तो ये देखिए, सभी बच्चों को कुछ बोलना है आप लोगों से। पहले आप बोलो। सलमा गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये तो मेरी बेटी है, इसको आप अच्छे से जानते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ चार इजी बेस्ट यूनिक फेक हेयर स्टाइल, जो कि लंबे फेस के लिए बेस्ट रहेगा। एंड खुले बालों में आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ये सारे हेयर स्टाइल आप लोग के लिए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल है जिसमें कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड, कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड और चीज़ें बारीकी में समझाती हूँ। प्लीज़ उस चैनल पे भी जाइएगा और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी ज़्यादा बातें ना करते जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आपको रखना है साइड मांग, साइड से रखना है। एंड आप कोशिश करनी है कि आपके सारे बाल एक साइड में रहें और इसी तरीके से आपको हेयर स्टाइल करना है। थोड़े थोड़े से हेयर्स लेके इस तरीके से एक लाइन में प्रॉपर क्राउन एरिया तक ट्विस्टिंग को करना है। और यहाँ पे टिकटेक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करना है। सेकेंड लेयर लेंगे जो आपकी ये मांग निकल रही है, इसी के साथ साथ आपको हेयर को ट्विस्ट करते हुए लेके जाना है। थर्ड लेयर आता हो तो धो के भी रोक सकते हो। एक क्लिप पे कभी भी नहीं रखना है क्योंकि एक क्लिप से आपका हेयर स्टाइल खराब हो सकता है एंड हेयर सारे नीचे आ सकते हैं। अब इस तरीके से आपको बना लेना है तीनों लेयर्स के साथ। एंड क्लिप को हाइड कर देनी है ऊपर के हेयर को इस तरीके से करके और सारे बालों को एक साइड रख। अरे अरे अरे, मेरा कैमरा, सॉरी, माइक यहाँ पे ऑफ हो चुका था और मैं बड़बड़ किए जा रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक ऑफ हो गया। जब मैं एडिटिंग के लिए वीडियो चला रही थी तो मुझे फंडल नहीं पता चला कि मेरी आवाज़ यहाँ पे ऑफ हो चुकी है और मुझे बहुत गुस्सा आया। बट क्या कर सकते हैं, दोबारा से आवाज़ को ऐड करूँगी। म्यूजिक सुन के आप बोर हो गए होंगे तो मैंने सोचा म्यूजिक के साथ थोड़ा सा आवाज़ भी ऐड किया जाए और आप लोग को इंटरटेन किया जाए। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया और फर्स्ट हेयर स्टाइल का भी अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट लगा। और पता है आप लोगों को, मेरा माइक ऑफ होने के वास्ते जब मैं दोबारा आवाज़ ऐड कर रही थी तो मैं माइक ऑन करना भूल गई थी, तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने फिर से हार नहीं मानी और माइक उठाया और दोबारा से आवाज़ ऐड करने लग गई। और यहाँ पे सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए बालों को थोड़ा सा लेयर को लेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे आपकी फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरह ही तो है, लेकिन दी है फर्स्ट हेयर स्टाइल की तरह नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, बोर मत होइए और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट हेयर स्टाइल हमने ऐसे ही क्लिप लगा दिया था, बट इस हेयर स्टाइल में मैं बालों को थोड़ा थोड़ा मैसी लुक दूंगी और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मेरे बाल घने मोटे काले लंबे हैं इसलिए मैंने इस तरीके से ट्विस्टिंग किया है और अपनी ट्विस्टिंग को काफ़ी घना दिखाया है। और आपको देख के लग भी रहा होगा कि मेरे बाल काफ़ी घने हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, पतले हैं। लेकिन मैं इस तरीके से हेयर स्टाइल आइडियाज़ लेकर आती रहती हूँ जिससे आप लोगों को भ्रमित कर सकते हो, अपने बालों को घना खूबसूरत दिखा सकते हो। बहुत सारे हेयर स्टाइल मैंने बताए हैं ऐसे, तो आप नहीं देखते हो, प्लीज़ देखा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी गाइस, मेरी वीडियोज़ क्यों नहीं देखते हो गाइस, प्लीज़ वीडियोज़ देखा कीजिए।
तो इस तरीके से खींच खींच के बालों को दोबारा से सेकंड लेयर को भी मैंने यहाँ पे घना दिखाया और काफ़ी प्यारा सा हेयर स्टाइल लग रहा है। तो बालों को हटा के क्लिप को इस तरीके से सेट करेंगे और एक क्लिप पे मत छोड़िएगा, एक क्लिप से आपके बाल खुल के ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक क्लिप पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे तो बस हेयर स्टाइल दिखाने हैं। बट आपको हेयर स्टाइल करके कहीं जाना होगा तो आपका हेयर स्टाइल बिगड़ सकता है, तो आप मत छोड़िएगा, एक क्लिप पे दो क्लिप लगा लीजिएगा। तो हमारा सेकंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब थर्ड हेयर स्टाइल पे चलते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको 3 लेयर्स लेने हैं एंड इस तरीके से 3 लेयर्स लेने हैं, 3 लेयर्स लेने हैं, 3 लेयर्स ले लिए। अब इसको इस तरीके से फ्रेंच चोटी बनाते जाना है, थोड़े थोड़े लेयर्स को ऐड करते जाना है एंड फ्रेंच चोटी को कंप्लीट करेंगे अपने क्राउन एरिया से। ओ माय गॉड, मैं थक गई यार, ये भी साइड मांग तो अपन नहीं निकल रही, तो मैंने निकाल दिया। फिर से मैं 3 लेयर्स लूँगी, मैं हार मानने वालों से नहीं हूँ और जो हार नहीं मानते उनकी जीत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से हेयर को लिया है एंड फ्रेंच चोटी को बनाते जाएंगे क्राउन एरिया तक बनाते जाएंगे। पता है मैं बहुत वीडियोज़ को फर्स्ट करके बनाती थी, बट मुझे बहुत सारे व्यूवर्स की कमेंट आ रही थी कि मैम आप बहुत फर्स्ट बनाते हो जिससे हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर आप लोग को बोर होने का इतना ही शौक है तो मैं बना देती हूँ स्लो वीडियो, मेरा क्या, मेरा तो वॉच टाइम बढ़ेगा, क्यों। तो लगा दिया मैंने, इस तरीके से बनाया है एंड चोटी को भी गूंथते जाएंगे। इसको गूंथ लेंगे और क्राउन एरिया के नीचे तक चोटी को गूंथेंगे। तो गूंथ लिया है, चोटी गूंथ लिया है। अब आपको इस तरीके से हेयर को हटाना है और चोटी को वहाँ पे फिक्स कर देना है एंड हेयर को ऊपर की तरफ से रख देना है। फिर से हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड लेयर और इसको अभी हम लोग फ्रेंच चोटी बनाएंगे। इस तरीके से बना लिया ना, देखा बना लिया। तो आप भी बना सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल्स लेकर आती हूँ। और मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं मेकअप, ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर टिप्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, ये दिस इज़ नॉट फेयर गाइस। प्लीज़ वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 4 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ मैं, 1 साल में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, बट आप लोग मेरी वीडियोज़ लाइक ही नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियोज माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। कितना बोल दिया, आप तो सपोर्ट कर ही दोगे, तो चलिए ठीक है। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, जो कि आपके इंडियन एंड वेस्टर्न ड्रेस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे एंड खूबसूरत लग तो रहे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। और कल मैंने बताया था बालों में जुओ लीको को कैसे जड़ से ख़त्म करेंगे एंड बालों की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो जो भी चीज़ें मैं यूज करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख लो, अपने बालों में गंदी जुओ को ख़त्म करो एंड बालों की ग्रोथ को बढ़ाओ। हो सकता है कि प्याज आपको सूट ना करे, कई सारी स्किन पे नहीं सूट करता है, तो आप जल्दी से वॉश करने के तुरंत बाद सोफ्रामाइसिन यूज कर लीजिएगा। सोफ्रामाइसिन क्रीम आती है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी 51 से 57 रुपए के बीच में। और यहाँ पे मुझे पता चला था कि मेरी माइक ऑफ हो गई है और मैं यहाँ पे बड़बड़ा रही थी कि मेरी माइक ऑफ हो गई, तो मैंने यहाँ पे फोर्थ हेयर स्टाइल बनाया। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए बालों को बीच से उठाएंगे और नॉट लगा देंगे, गांठ लगा देंगे एक साइड के बालों को, क्लिप से सिक्योर कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच चोटी बनाने के लिए आपको फ्रंट से इस तरीके से हेयर को ले लेके और ये जो हमने गांठ बांधी थी उसकी एक साइड के लेयर में मिक्स करते जाना है और इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, फ्रेंच चोटी को बनाते जाएंगे। अब यहाँ चश्मा भाई साहब मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट मैं भी ठीक हूँ, आज मानने वालों में से कहूँ, मैं चश्मे को हटा के लेयर्स को ले रही हूँ, लेकिन चश्मे ने बोला कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे फेस पे, मुझे हटाओ। तो ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करने के बाद फिर मैंने हटा दिया और बालों का जो स्कैल्प दिख रहा था उसको हाइड करने के लिए मैंने फिंगर टिप्स की मदद से इस तरीके से बालों को किया, जिससे मेरा स्कैल्प हाइड हो गया एंड मेरे बाल फिर से घने दिखने लग गए। तो इस तरीके से कान के पीछे तक के हेयर को लिया है एंड चोटी को गूंथा है एंड गूंथने के बाद से टिक टैक क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये खुल ना जाए और मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो दूसरी साइड के लेयर को भी लिया है एंड थर्ड
पार्ट, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करके फ्रंट से हेयर को लेके यहाँ पे फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड बनाते जाएंगे कान के पीछे तक। तो कान के पीछे तक बना रही हूँ मैं हेयर स्टाइल को। कितना पसंद आ रहा है आपको हेयर स्टाइल बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स कुछ भी देखना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर लेकर आऊँगी वीडियोस को। तो इस तरीके से घुसते जाएंगे घूस लिया बस हाँ हो गया। तो आप दोनों साइड के छोटी को इस तरीके से पकड़ेंगे, क्लिप को हटा देंगे। अभी हेयर स्टाइल को कम्प्लीट करने के लिए हमको चाहिए एक पतला वाला रबर बैंड जो मुझे मिलने रहा बट मिल गया। तो इस तरीके से दोनों लेयर को एक साथ पकड़ा है एंड छोटी यहाँ पे रबड़ बैंड को लगा देंगे, पोनी टेल बना देंगे एक और इस तरीके से हेयर स्टाइल को कंप्लीट करेंगे। बट ये क्या हेयर स्टाइल थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तो एक साइड से हेयर को खींचेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब ठीक हो गया। तो ये है मेरा 4th हेयर स्टाइल और काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी यूनिक है, डिफरेंट है, सेल्फ है तो बेस्ट ही होगा। सेल्फ पे कुछ भी बना ले तो अच्छा ही होता है, खुद का बनाया हुआ चीज़ों की बुराई कौन करता है। तो ये है मेरा 4th हेयर स्टाइल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। बिना मेकअप वाले चेहरे को भी थोड़ा सपोर्ट कर लो यार।